नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो डे में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूएस स्टॉक्स को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी फिसली नीचे, नजर आया मजबूत जॉब ग्रोथ। सेल्सियस ने हाई रिस्क वाले लिवरेज ट्रेडिंग में गवाए $390 मिलियन क्लाइंट फंड। आवे ने GHO नाम के USD पेग स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का रखा प्रस्ताव। बायनास ने स्पेन में अपने मून टेक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन को किया सिक्योर। गेम स्टॉप ने CFO को किया बर्खास्त। टर्न अराउंड मूव में की कर्मचारियों की कटौती। क्रिप्टो मार्केट की सुरक्षा के लिए ट्रॉन ने और $20 मिलियन को किया तैनात। बिटकॉइन माइनिंग कंपनी कंपास ने की स्टाफ में 15% की कटौती। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रॉफिट टेकिंग पर क्रिप्टो करेंसीज ने अपने दिन के लाभ को पीछे छोड़ दिया और जैसा कि लेटेस्ट लेबर मार्केट डेटा के बाद यूएस स्टॉक्स में गिरावट आई है, जो ये दर्शाता है कि एम्प्लॉयर्स ने जून में अपेक्षा से ज्यादा नौकरियां जोड़ी है। दिन की शुरुआत में बिटकॉइन ने $22,200 पर ट्रेड करने के बाद $21,300 के करीब ट्रेड किया। बेंचमार्क इंडेक्स 1.5% उछलकर लगातार फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव गेन करने के एक दिन बाद S&P 500 में 0.4% की गिरावट देखी गई, जो मार्च के बाद से इसकी सबसे लंबी जीत है। वही डो जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने अपने स्लिम गेंस को कम करते हुए 0.1% नीचे आते हुए ट्रेड किया। वही टेक फोकस नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स को 1% नीचे आते हुए देखा गया। जून में जॉब्स रिपोर्ट से पता चला है कि बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स और हाई इन्फ्लेशन अब तक हायरिंग को प्रभावित नहीं कर रही है और मजबूत बनी हुई है। इस हफ्ते यूएस सेंट्रल बैंकर्स ने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए अपनी कमिटमेंट को साफ किया है। पहले फेड की जून की मीटिंग से मिनट्स में और फिर गुरुवार को जब दो फेड ऑफिशियल्स ने इस महीने के अंत में 0.75% इंटरेस्ट रेट पर इंक्रीज के लिए समर्थन का संकेत दिया था। इन सबके बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले कुछ घंटों में 0.7% की गिरावट के साथ $21,300 के अराउंड ट्रेड किया, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान 0.8% की गिरावट के साथ अराउंड $1,200 पर ट्रेड किया है। वहीं दूसरे मेजर ऑल्टकॉइंस को भी नीचे फिसलते हुए देखा गया है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म आर्काम इंटेलिजेंस की एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रबल क्रिप्टो लेंडिंग फर्म सेल्सियस ने रिपोर्टेडली पर अपने कस्टमर्स के फंड का इस्तेमाल $534 मिलियन के लिए एक थर्ड पार्टी एसेट मैनेजर के माध्यम से हाई रिस्क लिवरेज क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को अंजाम देने के लिए किया था। ऑन चेन एनालिसिस का इस्तेमाल करने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन स्ट्रेटेजिस्ट ने जब एसेट मैनेजर ने अपनी कैपिटल वापस कर दी तो $390 मिलियन का साफ तौर पर नुकसान हुआ था, जिसकी हाल ही में मौजूदा कीमत $210 मिलियन है। जैसा कि रिपोर्ट बताती है, क्रिप्टो असेट्स कस्टमर्स के लिए सेल्सियस की लाइबिलिटीज का हिस्सा हो सकती है। आर्काम का कहना है कि उसने एसेट मैनेजर की पहचान निवेश फर्म कीफाई के पीछे की टीम के रूप में की है, जिसे CEO जैसन स्टोन लीड कर रहे हैं, जो इल फॉर्मिंग अकाउंट 0xb1 से जुड़े इंडिविजुअल्स में से एक है। आवे डिफाई प्रोटोकॉल ने अपनी कम्युनिटी को GHO के क्रिएशन का प्रस्ताव दिया, जो एक USD पेग स्टेबल कॉइन है। इस तरह से मिंट GHO को उनके सप्लाइड कोलेटरल्स के अगेंस्ट मिंट में सक्षम होंगे, जहां सभी इंटरेस्ट पेमेंट्स आवे डाओ के पास जाएंगे। ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट के अनुसार GHO MakerDAO इश्यूड स्टेबल कॉइन DAI की तरफ कोलेट्रल के स्पेसिफिक रेशो की सप्लाई करने वाले यूजर्स के आधार पर मिंट किया जाएगा। ऐसे में जब उधार ली गई अमाउंट वापस कर दी जाती है, तब प्रोटोकॉल यूजर्स के GHO को बर्न कर देगा। इसके अलावा आवे पर डिपॉजिटेड कोलेट्रल असेट्स कोलेट्रल के रूप में भी काम करते हुए यील्ड जनरेट करेगी। आवे कम्युनिटी फ्यूचर में GHO को बोरोइंग और लेंडिंग के लिए इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करेगा। मार्केट की कंडीशंस के अनुसार एक स्टेबल रेट को अडेप्ट किया जाएगा।
आवे के फाउंडर स्टैनी कुलेचोव ने डिस्काउंट स्ट्रेटेजी पर अपने थॉट्स शेयर किए हैं, जिसका एम डीफाई प्रोटोकॉल्स में यूज केसेस के मामलों को स्टिमुलेट करना है। क्रिप्टो एक्सचेंज बायनांस की स्पेनिश सब्सिडियरी मून टेक स्पेन को देश के सेंट्रल बैंक द्वारा एक वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर यानी VASP के रूप में रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है। रजिस्ट्रेशन देश के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी AML CTF रूल्स के कॉम्प्लायंस में बाइनांस को स्पेन में क्रिप्टो एक्सचेंज और कस्टडी सर्विसेज को अलाउ करता है। हाल के महीनों में फ्रांस एंड इटली में बाइनांस के लिए इसी तरह के रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक ऑफ स्पेन की अप्रूवल मिली है। बाइनांस अब स्पेन में अपने एम्प्लॉयज के हेडकाउंट और ऑपरेशंस को एक्सपांड करने के प्लान्स बना रही है, स्पेनिश स्पीकिंग मार्केट को सर्व करने के लिए लोकल टैलेंट को हायर करता है। पॉपुलर US वीडियो गेम रिटेलर गेम शॉप ने कहा कि वो अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर माइक रिकोपेरो से अलग हो गया है और हाल में डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों की कटौती कर रहा है। रिकोपेरो लगभग एक साल पहले कंपनी में शामिल हुए थे और रिपोर्टेडली उन्हें निकाल दिया गया था क्योंकि वो कल्चर फिट नहीं थे। गेम शॉप CEO मैट फरलोंग ने अपने मेमो में लिखा है कि वो चीज़ों को सिंपल रखने और राइट टैलेंट के साथ काम करने में मदद करने के लिए कई कटौती कर रहे हैं। फरलोंग के अनुसार स्टाफ की कटौती से गेम स्टॉप को अपने कॉमर्स बिजनेस को विकसित करने और अपने ब्लॉकचेन ग्रुप के माध्यम से नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में मदद मिलेगी। ट्रॉन डाव रिजर्व ने USDD का और $10 मिलियन खरीदा है और इस तरह से अपने रिजर्व में $10 मिलियन मूल्य का TRX जोड़ लिया है। और ऑल ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और क्रिप्टो मार्केट की सेफगार्ड के लिए जिसकी जानकारी खुद ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ने आज ट्विटर के जरिए दी है। USDD एक अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन पर ट्रॉन का अटेम्प्ट है। ये टेरा के USDT से इंस्पिरेशन लेता है जिसे एक ड्रामेटिक कोलैप्स का सामना करना पड़ा, जिसने मई में डॉलर के लिए अपना पेक खोने के बाद इंडस्ट्री वाइड वाइपआउट का सामना किया। थियरी में USDT को सेम फेट का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ट्रॉन डाओ रिजर्व द्वारा कोलेट्राइज है। ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के अनुसार डाओ के पास TRX, BTC, USDT और USDC में $2.2 बिलियन मूल्य का कोलैटरल है और टोटल USDT सप्लाई $723.3 मिलियन है, जिसे स्टेबल कॉइन को 316.2% ओवर कोलैटराइज बना दिया है। ट्रॉन डाओ रिजर्व पिछले महीने $2 बिलियन गिरा क्योंकि इसने USDT की डॉलर पैरिटी को बनाए रखने के लिए TRX के अगेंस्ट बेटिंग करने वाले शॉर्ट ट्रेडर्स बेटिंग का मुकाबला किया था। कॉम्पास माइनिंग ने आज अनाउंस किया है कि वो स्टाफ को 15% तक कम करेगा और एग्जीक्यूटिव्स के लिए कॉम्पेंसेशन में 50% तक की कमी करेगा। कॉम्पास को फाउंडर्स और इंटरिम CEOs थॉमस हेलर और पॉल गॉस्कर ने कहा कि ये चेंजेस हार्डवेयर माइनिंग कंपनी को चुस रहने और इवॉल्विंग मार्केट में अच्छी तरह से पोजिशन करने में इनेबल करेगा। कॉम्पास डाउन साइजिंग से अफेक्टेड लोगों को फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कंपनी ने तेजी से विकास और आने वाली ऑपरेशनल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल बाधाओं को उन इश्यूज के स्रोत के रूप में लीड किया जिनके कारण आज की अनाउंसमेंट हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।